उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर लेकर आए हैं। बता दें कि यूके त्रिपाल एससी ने एक बार फिर से एलटी के फॉर्म निकाल दिए हैं और इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन जो है वो 25 मार्च तक कर सकते हैं। तो इसके लिए आज यानी 12 मार्च को विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने यहाँ पर यह भी बता दिया है कि एलटी की जो परीक्षा है ये अप्रैल में होगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आयोग की तरफ से बताया गया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये आज की डेट में 12 मार्च 2021 की डेट में आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है और इसमें ये भी बताया है, फॉर्म भरने के साथ साथ ये भी बताया है कि जो परीक्षा है इसकी परीक्षा जो है वो अप्रैल माह में होगी। तो चलिए यहाँ पर हम पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, सहायक अध्यापक एलटी कला विषय में आवेदन का अवसर तथा ऊपरी आयु सीमा में दी गई छूट के क्रम में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर आवेदन का अवसर। तो इस विज्ञप्ति में यहाँ बताया गया कि जो कला वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जिनका बीएड नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ऊपरी जो आयु सीमा वाले हैं उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है, तो वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 संक्रमण के प्रभाव के कारण 4 विज्ञापनों में ऊपरी आयु सीमा में 6 माह की छूट अभ्यर्थियों को दी गई थी। आयोग द्वारा 3 विज्ञापनों में यह छूट दी जा चुकी है। सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर यह छूट पूर्व में अनुमन्य नहीं की जा सकी थी। ये अभ्यर्थी दिनांक 12 मार्च से दिनांक 25 मार्च के मध्य अपना आवेदन आयोग वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 6 माह की छूट के अनुरूप आवेदन पत्र तैयार किया गया है। दिनांक 12 मार्च से दिनांक 25 मार्च के मध्य सहायक अध्यापक कला विषय के वे अभ्यर्थी जो भी आवेदन कर सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा सहायक अध्यापक कला विषय के लिए जारी संशोधन दिनांक 25 फरवरी 2021 के अनुरूप पात्रता रखते हैं। इस पद पर अब बीएड की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है, यानी जिन अभ्यर्थियों ने जो कला वाले अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड नहीं भी किया है तो वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि बीएड की अनिवार्यता जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी निर्धारित अवधि तक अपना आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से भर लें क्योंकि इसकी परीक्षा अप्रैल माह में होनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये यहाँ पे पूरा कंफर्म करके बता दिया गया आयोग की तरफ से कि एलटी की जो परीक्षा है वो अप्रैल में ही होगी, अतः इससे अधिक आवेदन पत्र भरने का समय दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो स्पष्ट कहा गया है कि जो फॉर्म है वो अच्छे से भर लें क्योंकि इसके बाद कोई भी यहाँ पे आगे आपको डेट नहीं मिलेगी, ना ही बढ़ाया जाएगा, ना ही ज़्यादा समय मिलेगा क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होना तय है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर हमने भी यहाँ पे मेल किया हुआ था आयोग को, तो यहाँ पर जब एलटी की परीक्षा के बारे में पूछा तो आयोग की तरफ से देखिए यहाँ पे क्या जवाब आया है। तो आयोग का मेल आया था और इसमें बताया गया है कि जो एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के 3rd वीक या फिर 4th वीक में संपन्न हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर तैयार रहें क्योंकि एलटी की जो शिक्षक एलटी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो यहाँ पर अप्रैल में होनी तय हो गई है क्योंकि अब जो है कला वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके भी आवेदन शुरू हो गए हैं। तो 25 तक अब जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और अप्रैल में जो है यहाँ पर एग्ज़ाम होने की अब पूरी संभावना बन गई है।